हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। आज यहाँ पे मैं लूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का कॉम्बैट नंबर 6 लूँगा क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो लूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लूँगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो कंबाइंड कंसेप्ट का होगा, दैट मीन्स मल्टीपल कंसेप्ट का बेस्ड होगा। प्रॉब्लम जो होगा गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि इस प्रॉब्लम में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और ऐसा बोल सकते हो कि जो प्रेडिक्ट होगा, जैसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं आने वाले क्वेश्चन में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी यहाँ पर मिलेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक थिन सिलेंडर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, उसमें वाटर को फिल्डअप कर रहे हैं, और ये थिन सिलेंडर जो है ये अपर साइड से इसका जो रिम है उससे सस्पेंडेड है, यहाँ पे फिक्स किया हुआ, ऊपर वाले में फिक्स किया हुआ, सस्पेंडेड है यहाँ पे। साथ ही साथ उसमें एक्सटर्नल लोड लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है, राइट, जो कि कंप्रेसिव इन नेचर यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं उसको, एक्सियल फोर्स को शो कर रहा हूँ। उस थिन सिलेंडर का रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, उसका जो थिकनेस है वो 1 mm यहाँ पे दिया हुआ है, और वाटर का जो हाइट है, हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज 2 मीटर दिया हुआ है आपको। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, राइट, सस्पेंडेड है, साथ ही साथ उसका हाइट वाटर का 2 मीटर दिया है, थिकनेस दिया है 1 mm, रेडियस दिया 1 मीटर। यहाँ पे एक नोट पॉइंट दे रहा था, फॉर्मूला ऑफ हुप स्ट्रेस इन थिन वॉल सिलेंडर कैन बी यूज एट ऑल द पॉइंट्स अलॉन्ग द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर। कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो हुप स्ट्रेस के फॉर्मूला को। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट पी, यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट पी, यहाँ पे मैं शो किया हूँ फिगर में, आप देखोगे ये जो है यहाँ पे पॉइंट पी है, जो कि बेस से यहाँ पे 1 मीटर के हाइट पे यहाँ पे लोकेटेड है वॉल में, सिलेंड्रिकल वॉल में यहाँ पे पॉइंट पी यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे उस वाले पॉइंट पे आपको जो प्रोड्यूस करना है प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। देन द वैल्यू ऑफ एफ इन किलो न्यूटन, तो वो एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन, वही आपसे पूछा है। 4 ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी डी यहाँ पे दिया इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन। तो आप देखोगे प्रॉब्लम जो है बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो मल्टीपल कंसेप्ट्स यहाँ पे लगेगा। मैं यहाँ पे देखो फ्लूइड को भी यूज़ किया हूँ, यहाँ पे थिन वॉल सिलेंडर है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेसेस आने वाला है, यहाँ पे स्ट्रेस को यहाँ पे यूज़ करूँगा, थिन सिलेंडर के कंसेप्ट्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस मोहर सर्कल को भी कहीं ना कहीं आप यहाँ यूज़ करने वाले हो। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे पूरा पूरा क्या है, कॉम्बिनेशन है, साथ में एक्सेल लोड भी लगा हुआ है, तो एक कंबाइंड फॉर्म है, राइट, कंबाइंड फॉर्म टाइप का प्रॉब्लम दिया हूँ यहाँ पे। बहुत सारे कंसेप्ट्स का यूज़ होगा, उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगा। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, और अगर मान लो किसी को देखने में ऐसा डिफिकल्ट भी लग रहा है, सो डोंट थिंक लाइक दैट, डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं, मेरा जो एम होता है प्रॉब्लम देने का वो सिर्फ गेट एग्जाम के लेवल का ही होता है, और लिटिल बिट डिफिकल्ट देन द गेट लेवल। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैं बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम दूं और आप उसको ना बना पाओ, ऐसा मेरा एम बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा एम होता है कि मैं आपके साथ अगर यहां कॉम्बैट में प्रॉब्लम अगर ले रहा हूं आपके साथ, तो मेरे में कि आप कॉम्बैट के थ्रू कुछ सीख सकते हो, गेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी आपके लिए ना यूजफुल होना चाहिए कॉम्बैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी दूसरे डायरेक्शन में क्वेश्चन बनाए जा रहे हो, ऐसा कोई भी मेरा एम नहीं होता कि मैं किसी भी डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन बनवाते जाऊं और आप क्वेश्चन बना रहे हो जो आपके लिए गेट एग्जाम के लिए यूजफुल ना हो। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो होगा आपके लिए सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग सीख पाएंगे। अगर किसी का बहुत ज्यादा क्लियर है पहले से कंसेप्ट, दैट इज ओके, वो आराम से बना लेगा। बट अगर किसी का मान लो अगर क्लियर नहीं है, अगर इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन में सीख सकता है हाउ टू क्लियर ऑल दिस थिंग्स, उसके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे वहां पे सॉल्यूशन के टाइम पे। ओके, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए बी सी या फिर डी आ रहा है। साथ ही साथ आप अपने अप्रोच को भी बताइए, हाउ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप कैसे सोचते हो, ब्रीफली डिस्क्राइब करिए अपने अप्रोच को, आपका क्या अप्रोच होगा वहां पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, और देखेंगे इसका राइट वे ऑफ सोल्यूशन क्या होना चाहिए, राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, और किस वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना इसका डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको क्या है ना थोड़ा सा मतलब मजा आएगा इसका सॉल्यूशन, आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, आपको फील आएगा कि बहुत बेस्ट वे में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।